तो कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी पर आज मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। कल की क्लास में एक बहुत जनरल डिस्कशन हुआ था। सबसे पहले मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कल की क्लास नहीं अटेंड की तो YT पर वो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप दोबारा उसे देख लीजिए। बहुत बेसिक बात हुई थी, मैंने आपसे ये कहा कि आप SSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप देखेंगे GS का रोल Tier 1 एग्जाम में भी है, Tier 2 में भी। Tier 1 एग्जाम और Tier 2 एग्जाम में, या जिसको प्री और मेंस कह लीजिए, कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रश्नों की संख्या के लिहाज से दोनों में 25 प्रश्न रहते हैं, यानी Tier 1 में भी Tier 2 में भी। अंतर सिर्फ इस बात का आता है कि Tier 1 में उसका वेटेज 2 मार्क्स का एक प्रश्न होता है और मेंस के एग्जाम में आप जानते हैं वही 3 मार्क्स का हो जाता है। तो वहां पर जब आप एक भी प्रश्न गलत करते हैं तो इसका मतलब 3 तो गया ही गया, साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग के कारण कुछ और भी नंबर गया, और अगर छोड़ते भी हैं तो इसका मतलब 3 गया। तो अगर इस विषय की बात की जाए जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो इससे लगभग आपके पेपर में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि इस विषय की एक खासियत है कि अगर ये विषय आपको समझ में आया, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई, तो सबसे कम पढ़कर सबसे ज्यादा अंक इसी विषय में आते हैं। दरअसल इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत वाइड है, उसमें आपको याद करना ही पड़ता है। आप कितना भी समझ लेंगे फिर भी फैक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि आपको याद करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन इस विषय में फैक्ट्स को भी याद करने के लिए कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जितना आप समझ कर पढ़ेंगे उतना ही फैक्ट्स याद करना आपके लिए आसान हो जाए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ये विषय बहुत आसान लगे। कल मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे देश में जो शासन की व्यवस्था, जो गवर्निंग सिस्टम है, उसको एक नाम अगर दिया जाए तो क्या नाम देंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। और किस तरह की डेमोक्रेसी बताई थी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही प्रतिनिधि इस देश का शासन चलाते हैं। डेमोक्रेसी का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको समझाया था। लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो जनता द्वारा चलाया जा रहा है। भारत के लोग ही भारत का शासन चला रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर कंट्री को गवर्न करते हैं। इसीलिए भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और आज की दुनिया में लगभग पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम है जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये आपने समझा। अब इसको और सरल भाषा में आप समझिए कि भारत के डेमोक्रेसी को एक और नाम दिया गया, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि हमारे यहाँ 2 अथॉरिटी होंगी। संविधान में अगर आप देखें तो इस तरह का प्रावधान है जिसके आधार पर 2 टर्म यूज किया जाता है। एक टर्म है हेड ऑफ स्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष, और एक को कहा गया है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, शासनाध्यक्ष। तो आप ध्यान दें कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार चलाने के लिए 3 अलग अलग अंग काम करते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। अच्छा, कल ही मैंने आपको समझाया था कि जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ अलग होता है। राज्य का मतलब सरकार से भी होता। मैंने आपको ये पॉइंट लिखाया भी था कि राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? मैकियावेली ने। और मैकियावेली ने कौन सी किताब लिखी है? द प्रिंस। तो द प्रिंस नाम की बुक में उन्होंने स्टेट के बारे में बताया है। स्टेट का एक सामान्य सा अर्थ है सरकार। इसीलिए आप भारत के संविधान को भी जब पढ़ते हैं कई जगह पर स्टेट इसी सेंस में लिखा गया। जैसे भारत के संविधान का 4था भाग है, उसका शीर्षक ही है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वहां जो स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया उसका मतलब देश की सरकार से। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी कोई स्टेट डेमोक्रेटिक होता है तो स्टेट के तीन ऑर्गन्स काम करते हैं। एक को कहा जाता है कार्यपालिका, एक को विधायिका और एक को न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इसलिए कभी भी आपके पेपर में प्रश्न आ गया कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हीं के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। बाकी आप ये भी शायद जानते हो कि चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये जनता से जुड़ी हुई, जनता के हित में काम कर रही, और जनता को इनसे जोड़ने का जो काम करता है वो है मीडिया। यानी मीडिया के माध्यम से सरकार जनता से संवाद करती है और जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है। यही कारण है कि मीडिया को लोकतंत्र में चौथा अंग माना गया, या इसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज शुरुआत में कार्यपालिका से कर रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका किसे कहा गया है। दरअसल देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानून की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि जब हम कोई खेल खेलते हैं तो खेल के कुछ नियम तय करने पड़ते हैं। ऐसे ही देश को भी चलाने के लिए, समाज को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ नियम निर्धारित करने पड़ते हैं। तो जो नियम कानून बनाने वाली संस्था होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर या विधायिका या विधानमंडल या व्यवस्थापिका। हिंदी में कई शब्द हैं, अंग्रेजी में एक ही टर्म है लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में हम विधायिका भी कह सकते हैं, विधानमंडल भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका भी कह सकते, एक ही अर्थ है, ये सब पर्यायवाची। तो विधायिका का मतलब हो गया जो विधान बनाए, और विधान का मतलब हो गया नियम कानून। तो जो नियम कानून बनाए वो लेजिस्लेचर है। लेकिन जो नियम कानून बन गए उसका पालन भी तो करवाना होगा, उसे लागू भी तो करवाना होगा। तो जो नियमों को लागू करवाती है उसे क्या कहा जाता है? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। ये आपने कल पढ़ा था। अब आप बताइए, भारत में कार्यपालिका के कितने स्तर हैं? दो। कौन कौन से? एक संघ की और एक राज्य की। जो संघ की कार्यपालिका है इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार, या उसको संघीय सरकार भी कहते हैं। और राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका काम करती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। यहां जब राज्य शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब फिर अलग हो गया। यहां राज्य कहा जा रहा है भारत संघ की इकाइयों को, यानी हमारा संघ एक है लेकिन उसे कई इकाइयों में बांटा गया, जिससे प्रशासन अच्छे से चले। मैंने कल भी आपसे कहा था हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, इसीलिए भारत संघ को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया गया। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को नाम देते तो उसे भी राज्य या प्रदेश कहा जाता। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब एक तरीके से क्या हो गए? प्रशासनिक राज्य हो गए। लेकिन जब राजनीतिक राज्य की बात करते हैं तो राज्य कितने तत्वों से मिलकर बनता है? चार। कौन कौन से? टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। यानी राज्य वही है जिसके पास एक यहाँ पर भूभाग हो, राज्य वही है जहां पर लोग रहते हो, राज्य वही है जहां एक सरकार हो, और राज्य वही है जहां संप्रभुता हो। तो राज्य के चार तत्व होते हैं। अब मान लीजिए आपके ऑप्शन में लिखा है, एक देश का नाम लिखा है भारत, एक का नाम लिखा है पाकिस्तान, एक का नाम लिखा अमेरिका, एक का नाम लिखा अंटार्कटिका, और पूछा गया इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक भूभाग है, बल्कि आप जानते होंगे पांचवा बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उसे राज्य नहीं कह सकते हैं इन पॉलिटिकल सेंस। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसान नहीं रहते, वहां लोग नहीं रहते, और वहां कोई सरकार नहीं। लोग हैं तभी तो सरकार बनेगी। तो राज्य के चार तत्व होते हैं, राज्य के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत में कार्यपालिका के दो स्तर है। अब मेरा अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका के दो स्तर क्यों है? क्यों टू टियर सिस्टम है भारत में? क्योंकि हमारे देश में संघीय शासन को अपनाया गया। मैंने कल भी आपको समझाया था कि किसी भी देश का संविधान दो प्रकार का हो सकता है, एक यूनिटरी और एक फेडरल। यूनिटरी की विशेषता होती, एकात्मक की विशेषता होती है कि वहां पर सरकार का एक ही स्तर होता है, केवल राष्ट्रीय सरकार देश चलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था यूके का, कि यूके में भले ही चार राज्य हैं लेकिन सरकार एक ही है, वहां राज्यों की कोई अलग सरकार नहीं, पूरा सिस्टम यूनिफाइड है। लेकिन भारत में ऐसा इसलिए नहीं संभव था क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, भारत यहाँ पर क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा देश है और पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा देश, इसलिए भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। ये बात अलग है कि भारत प्योर फेडरल नहीं है। इसका कारण यह है कि प्योर फेडरल में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा बहुत स्पष्ट होता है। राज्य के मामले में केंद्र दखल नहीं देता है और केंद्र के मामले में राज्य दखल नहीं करते हैं, जैसे अमेरिका में। इसीलिए आप अमेरिका में देखेंगे हर राज्य की अलग नागरिकता भी होती है, राज्य का अपना झंडा होता है, राज्य का अपना संविधान होता है। लेकिन भारत में ना तो राज्यों का अलग संविधान है, ना ही अलग नागरिकता है, ना ही अलग झंडा। एक ही राज्य था, उसका भी अस्तित्व अब समाप्त हो गया, वो था जम्मू एंड कश्मीर, जहां अलग संविधान था भी, अलग नागरिकता थी भी, लेकिन 2019 में उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था अपनाई गई जिसमें केंद्र को ज्यादा ताकत दी गई। हमारे यहाँ सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि यूनिटरी का फीचर, एकात्मक में केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए भारत के संविधान को ना तो पूरी तरह संघ माना गया और ना ही पूरी तरह से एकात्मक, बल्कि केसी हुएर ने इसे एक नाम दिया और वो इसे अर्ध संघ कहते हैं, यानी क्वासी फेडरल कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे नोट्स में लिखेंगे भी, लेकिन अभी जो मेरा रेफरेंस है, जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो मैंने टॉपिक आपके सामने लिखा। तो जब हम संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव की स्टडी करते हैं, तो भारत के संविधान में जो 22 भाग हैं, उनमें से कौन सा भाग है जो संघीय कार्यपालिका के बारे में बताता है? भाग 5। और भाग 5 में संघीय कार्यपालिका वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दी गई है? 52 से 78। और कल मैंने आपको बताया था कि संघीय कार्यपालिका किन लोगों से मिलकर बनती है, तो इसमें राष्ट्रपति भी है, इसमें उपराष्ट्रपति भी है, इसमें मंत्रिपरिषद भी है, इसमें महान्यायवादी भी। इन्हीं के बारे में आप लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, सीएजी एक ऐसा अधिकारी है जो संघ और राज्य दोनों के लिए कॉमन है, वो अलग आप पढ़ेंगे, वो संघीय कार्यपालिका में नहीं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भारत में राज्य सरकार का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी ऑडिट कौन करता है, तो वो भी सीएजी करता है, और सेंटर का ऑडिट कौन करता है, वो भी सीएजी करता है। तो यहाँ इसका मतलब हो गया सीएजी संघ और राज्य दोनों के लिए कॉमन है। समझ गए? तो अब हम लोग इसके अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दो चीजें लिखी कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे देश में, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और जब किसी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, संसदीय लोकतंत्र होता है, तो वहां पर दो तरह के प्राधिकारी देश में काम करते हैं। एक को कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट और एक को कहा जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे भारत में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रेसिडेंट हमारे देश में शासनाध्यक्ष है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ स्टेट है, तो आंसर क्या लगाएंगे? हेड ऑफ स्टेट। यहां मैंने कहा था बहुत बारीकी से एक बात बच्चों ध्यान रखिए, कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, आप रटकर जाते हैं, समझ कर नहीं, और गलती करते हैं। जैसे पेपर में अगर यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट के साथ केवल एक लाइन और बढ़ा दी और लिख दिया हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, एग्जाम में यह आ गया, तो आंसर क्या लगाएंगे? तो तुरंत आंसर बदल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? गवर्नर। यानी कि जब हेड ऑफ स्टेट टर्म यूज किया गया तो इसका मतलब हो गया पूरे देश के लिए स्टेट टर्म यूज किया जा रहा, और इसका संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब राज्य की कार्यपालिका कही जा रही है तो इसका मतलब भारत संघ की इकाइयों की बात हो रही, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब की बात हो रही। तो अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड पूछा गया तो राज्यपाल होता है, और केवल स्टेट का हेड कहा गया तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी अगर इसी बेस पर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, तो भी आंसर क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति। यानी हमारे देश के संविधान के अनुसार यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट है और स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर है। दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक संघ में, एक राज्यों में। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल और संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति केवल संघ की कार्यपालिका का प्रधान नहीं है, वो पूरे भारत राष्ट्र का प्रधान है। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। और भारत के संविधान के आधार पर भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी एक टेबल बनाई गई कि अगर ये सारे अधिकारी एक साथ आ जाएं तो इसमें हाईएस्ट डेजिग्नेशन किसका होगा। मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं, उपराष्ट्रपति भी खड़े हैं, राष्ट्रपति भी खड़े हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो पावर में तो सबसे बड़े मोदी जी हैं, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो राष्ट्रपति हैं। इसको कहते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, यानी वरीयता क्रम की सूची के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी किसे माना गया है? तो आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जब आपसे हेड ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछेंगे तो आंसर क्या लगाएंगे? प्राइम मिनिस्टर, यानी सेंट्रल लेवल पर हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होता है और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ही हेड है, इसीलिए संविधान में कार्यपालिका का पहला चैप्टर किससे स्टार्ट होता है? प्रेसिडेंट से। समझ में आ गया? तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इनके बारे में हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल 52 से शुरू होते हैं और 62 तक दिए गए। अनुच्छेद 52 से 62। देखिए आजकल क्या हुआ है कि बच्चों के पास पढ़ने के कई माध्यम हैं और इस कारण से कई बार बच्चों को इस तरह से भी गाइड कर दिया जाता है कि आप किसी विषय को कैसे पढ़ें। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है कि वो आर्टिकल्स को रटने की कोशिश करते हैं और YouTube पर बहुत सारी क्लासेस ऐसी भी पड़ी हैं जिसमें ट्रिक्स बताई जाती हैं। इन सब चीज़ों से आप कोशिश करिए अपने आप को बचा कर रखिए। मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल्स को याद करने के लिए कोई ट्रिक डेवलप करिए। इतने आर्टिकल्स हैं, आप अगर उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ करके साथ में रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आसान रहे। नहीं तो कितनी ट्रिक्स आप डेवलप करेंगे, पता चलेगा ट्रिक्स बना ली, इतिहास वाली है, भूगोल वाली है, यही भूल गए। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार वो बहुत रिलेवेंट नहीं रहता। इसलिए कोशिश करिए विषय को पढ़िए तो उसे समझने की कोशिश ज़्यादा करिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। विषय यकीन मानिए जितना आप समझते चले जाते हैं आपकी तैयारी पुख्ता होती जाती, क्योंकि तैयारी का मतलब कभी ये नहीं है कि सारे आर्टिकल्स फिंगर टिप्स पर याद रहे। मुझे भी आज पढ़ाने के लिए आपके लिए रिवाइज करना पड़ता है, तो मैं कैसे मान लूँ सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। लेकिन तैयारी किसे कहते हैं कि जब आप पेपर दे रहे होंगे, प्रश्न के साथ नीचे 4 विकल्प रहता है और विकल्पों से चुनने की क्षमता आपकी जितनी अच्छी होती है वही तैयारी, और वो तभी आती है जब विषय बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, आपने समझा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न हमारे लिए नया होता है लेकिन विकल्प हमें मदद दे देते हैं एलिमिनेट करने में। एक अंदाजा लग जाता है कि इसका आंसर ये होगा, और जब आपका अंदाजा सही निकलने लगे तो आप मानिए सही ट्रैक पर। इसलिए जब भी किसी विषय को पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे भूगोल पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें, कोशिश करें टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए और समझने के बाद फिर जो आप नोट्स बनाते हैं वो तथ्य आप याद करने की कोशिश करें। कल की क्लास में एक बात कही थी मैंने, फिर दोहरा रहा हूं कि आप 10 किताब पढ़ने की आदत मत डेवलप करिए। आप एक अच्छे कंटेक्स्ट को यहाँ पर बार बार रिवाइज करिए। वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको जो मैटर क्लास में लिखाता हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप क्लास में ही समझ जाएँ और आपको विषय बहुत आसान लगे। तो जैसे अब हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तो एक तो आपने सीधे पढ़ लिया कि अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसी आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन पर भी कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं, तो प्रश्नों को भी साथ में समझने का प्रयास करना। अब आप सोचिए कि आपके एसएससी के पेपर में इससे आसान प्रश्न क्या आएगा। हालांकि मैंने अभी आपको पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके पेपर में आया कि आप उसको जज कैसे करें। जैसे मान लीजिए लिखा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये 4 ऑप्शन लिखे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या भारत में चारों पद होते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। नहीं होते भाई, पहले डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो चारों पद होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है, तो संवैधानिक पद या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस उसे कहा जाता है जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। अब यहां पर भले ही ये चारों पद हमारे देश में है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद संविधान में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएटेड नहीं है, ये पॉलिटिकल पोस्ट है। ये प्रधानमंत्री के मोटो पर या उसके स्विविल पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी अगर वो चाहे तो किसी को डिप्टी पीएम बना भी सकता है और ना चाहे तो नहीं बना सकता है। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि ये पद संविधान द्वारा दिए गए। जैसे अभी आपने लिखा कि राष्ट्रपति का पद कैसा पद है, संवैधानिक पद है। और किस बेस पर यह कहा जा रहा है संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में इनके लिए प्रावधान है। तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 52 के तहत यहाँ पर यह संवैधानिक पद। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आप एक ऑप्शन दूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक ऑप्शन दूं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इंडिया में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं सर, अटॉर्नी जनरल भी होता है और सॉलिसिटर जनरल भी होता है। लेकिन यहाँ भी एक फर्क है कि अटॉर्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल 76 में इनके बारे में प्रोविजन है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक पद नहीं। तो अगर यहाँ पर आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा गया कि कौन सा पद संवैधानिक है या नहीं है, तो इसका फर्क कैसे करेंगे कि जिनका जिक्र संविधान में हो वो संवैधानिक, और जिनका जिक्र संविधान में ना हो वो गैर संवैधानिक। समझ में आ गया? देखिए, तो आर्टिकल 53 की जो वर्डिंग है, अगर शुरुआत की वर्डिंग आप देखें, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो किसमें वेस्टेड है, प्रेसिडेंट में। और इसीलिए प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा गया। यानी संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है अगर पूछा गया, तो आंसर क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न आते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधान शब्द देखकर ऑप्शन में पीएम रहता है, लोग लगा देते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड पीएम नहीं है, बल्कि ध्यान रखिए रियल पावर उसके पास, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो हेड कौन है, प्रेसिडेंट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, इसको आप नोट में नीचे लिखिएगा। मैं आगे आपको ये टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का क्या मतलब है, यानी अधीनस्थ अधिकारी किसे कहा जा रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे, मंत्रि परिषद को कहा जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब भी यहाँ संघीय कार्यपालिका के मामले में कोई काम करेगा, तो वो किसके माध्यम से इस काम को पूरा करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह से ही राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और यही कारण है कि आपने शुरुआत में लिखा है कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है। समझ में आया? आर्टिकल 53 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगले क्लॉज में लिखी है, इसी आर्टिकल में लिखा है, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और इसीलिए अगर आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आया कि भारत में डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ यह भी मत समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कमांडर का मतलब ये है कि कल को पाकिस्तान से लड़ाई हो तो मुर्मू जी को आगे खड़ा कर देंगे कि चलिए कमांडर साहब। वो नॉमिनल हेड है, मतलब वो वार प्रोक्लेम करेंगे, वो पीस कंक्लूड करेंगे, लड़ने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, उसके लिए भारत की सेना। लेकिन सेना की तीनों अंगों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। लिखिएगा इस पॉइंट। आर्टिकल 53 भी समझ में आ गया। दो तीन तरह से प्रश्न बन सकता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, तो भी आंसर राष्ट्रपति हो गया। डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो भी राष्ट्रपति हो गया। ये बातें किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 53 में मेंशन है। और बाकी आपने यहाँ पर ये लिखा कि ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, समादेश का मतलब होता है कमांड। जब आप किसी को एक बल के साथ आदेश दें कि आप ऐसा करें, लीगल फोर्स उसके साथ हो, तो उसको कमांड या समादेश कहा जाता है। एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर अगर किसी दूसरे देश की तरफ से युद्ध स्टार्ट हुआ तो वो युद्ध नहीं, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाता है टेक्निकल भाषा, उसे बाहरी आक्रमण कहते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाहरी आक्रमण से निपटने की जिम्मेदारी हमारी सेनाओं की है, लेकिन उसके पहले के खतरे को निपटने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई सभी बॉर्डर पर है। जैसे ही वो हैंडल करने की सिचुएशन में आएंगे, उनको लगेगा फुल फेस्ड अटैक है, वो इन्फॉर्म करेंगे और ये तत्काल एक्शन होता। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि राष्ट्रपति बस उतना ही करते हैं जितना पीछे से आदेश आता, यानी सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग तुरंत कैबिनेट मीटिंग होगी, फैसला होगा, तत्काल प्रभाव से वो लागू हो जाएगा। मैंने अभी इसीलिए आपको बोला कि प्रेसिडेंट जितने भी हेड हैं वो सब नॉमिनल, वो सेरेमोनियल हेड हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं, ना लड़ने में, ना युद्ध करने में, ना घोषणा करने, सारा फैसला होता है प्रधानमंत्री। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी संवैधानिक पद पर अगर हम बात करें, कोई भी संवैधानिक पद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो ये दो तरीके से पद भरे जा सकते। एक ऐसा भी हो सकता है कि इस पद को भरने के लिए जो रिक्तियां हुई, जो वैकेंसी हुई, इसको भरने के लिए यहाँ पर हो सकता है चुनाव कराया जाए, यानी उसे कहेंगे निर्वाचन। चुनाव या निर्वाचन एक ही चीज है, यानी इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू भी इस पद को भरा जा सकता है। और दूसरा हो सकता है कि इन्हें नियुक्त किया जा रहा हो, यानी इनका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। तो पहले तो आप सबको ये बहुत स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि जितने भी संवैधानिक पद बनाए गए हैं, जब भी उनमें कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो दो तरीके से उस वैकेंसी को फिल किया जाता है, या तो चुनाव करा के उसको भरेंगे और या फिर मैंने कहा नियुक्ति द्वारा। अब यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न आया भी है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ी में इस सवाल को गलत किया। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में लिखा है प्रेसिडेंट या फिर ऑप्शन में लिखा है प्राइम मिनिस्टर, दो ही ऑप्शन ले लें, और पूछा गया कि कौन सा पद इसमें निर्वाचन द्वारा नहीं भरा जाता, यानी इलेक्शन द्वारा फिल नहीं किया जाता, तो आंसर क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री का पद चुनाव द्वारा नहीं भरा जाता, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति होती। पीएम के लिए अलग से इस देश में कोई इलेक्शन नहीं होता। पीएम आप देखेंगे भारत में जो इलेक्शन होगा भी, जैसे अभी आप देखेंगे 2024 का जो चुनाव होगा वो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा में जो मेंबर चुनकर आएंगे वो जिसे अपना नेता घोषित करेंगे उसे यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? तो ये नियुक्ति का पद है, लेकिन चुनाव का पद भले ही वो जनता ना चुने, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। यानी चुनाव भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है डायरेक्ट इलेक्शन और एक है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो शायद मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि अगर जनता ने खुद ही मत दे करके किसी को चुना है तो कैसा इलेक्शन है? डायरेक्ट। लेकिन मान लीजिए हमने किसी को चुना, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया और उसने आगे वाले को चुना, तो ये कैसा इलेक्शन कहलाएगा? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद निर्वाचित पद है, इलेक्टेड ऑफिस है, बस अंतर यह है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट ना इलेक्ट होकर कैसे होता है? इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। तो हम लोग अगला ये दोनों आर्टिकल समझते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 54 पर। हेडिंग लिखिएगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, मैं फिलहाल आपको बताने जा रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 क्या कहता है। इसमें एक टर्म यूज किया गया है और ये टर्म है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। दरअसल मंडल शब्द का मतलब होता है ग्रुप, समूह। कॉलेज का मतलब ही होता है जहां पर कॉलेजियम बने, यानी लोग इकट्ठे हों। तो राष्ट्रपति को चुनने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर हैं, उनका ग्रुप में नाम या कलेक्टिवली नाम क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ये याद रहेगा। और दूसरा प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 54। ये दोनों चीजें क्लियर। अब जरा बात कर लें कि ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा कैसे, तो इसमें यह लिखा है कि जो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम कहते हैं लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। इसमें जो मेंबर होते हैं ये दो तरह के मेंबर होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्टेड और एक को कहते हैं नॉमिनेटेड। पहले राज्यसभा में 12 मेंबर थे, लोकसभा में 2 थे, लेकिन आप सब जानते हैं ये वाला प्रोविजन हटा दिया। आर्टिकल 331 में लिखा था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में यह अमेंडमेंट हो गया और अब लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। तो जो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड हैं, इनको छोड़कर लोकसभा में तो अब है ही नहीं, जो भी इलेक्टेड मेंबर इन दोनों हाउस के हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में हो। जैसे लोकसभा में वर्तमान में 543 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में इसी तरीके से 233 मेंबर होते हैं। तो आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि 776 सांसद हैं, एमपी हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो एक तो ये हो गए। दूसरा, इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, इसी आर्टिकल में लिखा है कि भारत में जो स्टेट के लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जैसे देश में केंद्रीय कानून बनाने के लिए संसद होती है, ऐसे राज्यों में विधानमंडल होते हैं। लेकिन भारत में जो राज्य विधानमंडल है ये 2 प्रकार के हैं, एक को कहते हैं यूनिकैमरल और एक को कहते हैं बाईकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब हुआ जहां सिंगल हाउस है, एक सदन वाले राज्य विधानमंडल, और बाईकैमरल का मतलब हुआ द्विसदनीय विधानमंडल। तो जहां पर 2 सदन है वो बाईकैमरल कहलाएगा, जहां एक ही हाउस है वो कहलाएगा यहाँ पर यूनिकैमरल। अगर यूनिकैमरल है तो उस हाउस का नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर बाईकैमरल है तो इसमें जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है ये लोअर हाउस बन जाती है और अपर हाउस का नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन भारत में सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, बड़े कुछ राज्यों में है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए 6 ही राज्य में यह व्यवस्था है, बाकी यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अन्य स्टेट्स में नहीं। तो हालांकि कुछ राज्य प्रस्ताव में भी है कि वहां पर होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल भारत के संविधान में यह लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर शामिल नहीं होंगे, दोनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर होंगे, चाहे बाईकैमरल स्टेट हो चाहे यूनिकैमरल। यानी जितनी भी राज्य की विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए। अब और सरल तरीके से इसको कैसे याद रखा जाए, तो एक वर्ड में आप इसको याद कर सकते हैं, इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए। एमएलए का मतलब ही क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दोनों जगह पर ध्यान रखिएगा इलेक्टेड। तो इलेक्टेड एमपी और एमएलए मिल करके भारत के राष्ट्रपति को चुनेंगे, इन्हीं की टीम का नाम क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि बाद में इसमें भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो इन दोनों की विधानसभा, यानी ये यूटी है, ये स्टेट नहीं है, लेकिन इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को भी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में 1992 में 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ दिया गया। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, और इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया था, किस अमेंडमेंट से शामिल किया गया था।